नमस्कार दोस्तों, निखिल कंप्यूटर जबलपुर आप सभी का स्वागत करता है। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के जो ऑफलाइन फॉर्म है उसको आपको कैसे भरना है, कौन से कॉलम में टिक लगाना है, कौन से कॉलम में नहीं लगाना, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से हमारा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफाई बटन पर भी क्लिक करिए जिससे जब भी हमारे द्वारा कोई वीडियो बनाए तो उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के ऑफलाइन फॉर्म भरना आंगनवाड़ी केंद्रों में, पार्षद कार्यालय में और कैंप में भरना चालू हो गए हैं। तो आपको उस फॉर्म को कैसे भरना है तो पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा आवेदिका की समग्र आईडी, तो यहाँ पर आपको अपने सदस्य आईडी डालना है, यहाँ पर आपको अपने परिवार आईडी नहीं डालना है। इधर पे आप अपनी सदस्य आईडी डालेंगे, उसके बाद लिखा है आधार नंबर, तो आधार नंबर के बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। फिर है आपका आवेदिका का नाम, तो आवेदिका के नाम पे आपको अपना नाम डालना है। वहीं इसके बाद आवेदिका के पति या पिता का नाम, तो आप अपने पति या पिता जिसका भी नाम भरना चाहते हो तो उनका नाम डालना है। इसके बाद आपको अपनी जन्मतिथि डालना। ध्यान रखिएगा कि आपकी समग्र आईडी और आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि सब कुछ एक जैसी हो, और अगर आपके समग्र आईडी आधार कार्ड में किसी भी प्रकार के चेंजेस है तो उसको आप पहले सुधरवा लीजिए। उसके बाद आवेदिका के पता में, तो यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो पता डालना आपको वो डालना है। फिर यहाँ पर आपको अपना वार्ड, जिला और पिन कोड डालना है। उसके बाद आवेदिका का मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको अपनी जाति जो भी हो, सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी आपकी जाति हो आपको वो डालना है। वही आपके पास यदि जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो आप सामान्य वर्ग से ही कहलाएंगे। इसके बाद ये विधवा निःसर्गजन की यदि आपकी कोई पेंशन आ रही हो तो उसको हाँ पे, अन्यथा नहीं पे लगाना है। और यहाँ पर आपकी विवाह की स्थिति जो भी हो तो ये विवाहित, तलाकशुदा, विधवा या जो भी महिलाएँ हों उस पर आपको यहाँ पर टिक लगाना है। इसके बाद यहाँ पर आपके ये जितने भी ऑप्शन हैं इन सभी पर आपको राइट का ऑप्शन लगाना है, ये सभी में आपको टिक लगाना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे अपने साइन करना है। इसके बाद ये जो नीचे का फॉर्म है, ये नीचे का फॉर्म कार्यालय में उपयोग होता हो तो है, तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। आपका फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे उनके द्वारा हस्ताक्षर और सील और साइन लगा के आपको ये पावती दे दी जाएगी। तो इस तरह से आपको लाडली बहना योजना का ये ऑफलाइन फॉर्म भरना वर्तमान में पार्षद कार्यालयों में, कैंप स्थल में और जो भी आपके नज़दीकी जहाँ भी कैंप चल रहा हो वहाँ ऑफलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। जल्द ही ये फॉर्म ऑनलाइन भी भरे जाएंगे, तो जब भी ये ऑनलाइन फॉर्म भरना प्रारंभ होंगे तो उसकी जानकारी भी हमारे द्वारा वीडियो के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। फिलहाल अभी ऑनलाइन फॉर्म भरना प्रारंभ नहीं हुए हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरना 25 तारीख से प्रारंभ हो सकते हैं। तो वर्तमान में अभी आप अपने पार्षद कार्यालय में ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ आपको अपनी समग्र आईडी, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक भी लगाना पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा और जुड़े रहिए आप निखिल कंप्यूटर जबलपुर से। धन्यवाद।